Hello friends, so welcome to my channel Nursing Amal Fatima, and thank you so much to like my videos, view and sharing for subscription also. तो आज मैं आपको बताऊंगी आइस ब्रेकर एक्टिविटीज, क्योंकि हम रोज पढ़ते हैं रोज पढ़ाते हैं, पर कभी कभी सेशंस बहुत बोरिंग हो जाते हैं. तो हाउ वी ओवरकम विद दिस सेशंस, तो उसमें हमारे पास कुछ आइस ब्रेकर एक्टिविटीज़ है, उसके बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगी. तो मोस्टली आइस ब्रेकर जो एक्टिविटीज़ होती है वो हमारी बॉडी को वार्म अप करने के लिए, वेकअप करने के लिए, और एक दूसरे से पार्टिसिपेट एक दूसरे के बारे में जान सके कुछ टाइम के लिए. क्योंकि इस पूरे टाइम क्लास में हरदम बोलने से अच्छा है कि हम कुछ एक्टिविटी करा लें, उससे उनका माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है. तो यहाँ पे एक जो एक्टिविटी एज है उसका नाम है साथी की खोज, उसके बारे में मैंने बता रखा है साथी की खोज, और उसमें हमें क्या क्या सप्लाईज चाहिए. तो हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी एक्टिविटीज़ के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना है सप्लाईज, उसमें से कुछ हम पार्टिसिपेंट्स बना लेंगे और कुछ ऑडियंस बना लेंगे. अगर कोई गेम हो रहा है तो देखने वालों को भी मज़ा आता है ना, तो अकॉर्डिंग टू द ग्रुप हम जो इसको एडजस्ट कर सकते हैं. देन हम क्या करेंगे, एक पर से नंबर्स ऑफ कार्ड्स निकालेंगे, पर कार्ड्स इवन नंबर में होंगे, लाइक 12, 14, 16, 18 पेयर्स में होंगे कार्ड्स, और उन कार्ड्स को हम शफल कर देंगे. फिर नेक्स्ट जो है इस कुछ इस तरह से कार्ड्स होंगे, नंबर्स ऑफ कार्ड्स होंगे, शफल्स होंगे, और उनके ऊपर कुछ कोडेड लिखा होगा, और उनको हम शफल करके ईच पार्टिसिपेंट्स को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. अभी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद सब लोग क्या करें, एक दूसरे के पास कार्ड्स पूछें उसमें क्या कोडिंग है, और एक दूसरे के साथ पेयर बना लें. तो देखिए इस एक्टिविटी में कितना अच्छा लगा कि सब अपने पेयर के साथ हैं. तो एक्चुअल में ये करने में काफ़ी मज़ा आता है, बॉडी वार्म अप हो जाती है, वो एक दूसरे को जान जाते हैं, और उसके बाद में अगेन वी स्टार्ट विद अ फ्रेश माइंड. कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पेयर में, तो हम उनसे बोलेंगे, सबसे पहले उसको कार्ड्स को शफल करेंगे और बोलेंगे कि सब लोग जो है एक एक कार्ड रैंडमली उठाइए, और उसके बाद में बोलेंगे कि अब अपने कार्ड के जो नेम है उसके अकॉर्डिंग अपने पेयर्स को सर्च करिए. उसके अंदर जब वो सर्च करेंगे पेयर्स को, तो बीच में वो एक दूसरे के पास जाएंगे और पूछेंगे आपके कार्ड में क्या है, मेरे कार्ड में क्या, अच्छा इसका ये हो सकता है, अच्छा इसका ये हो सकता है, ठीक है. और फिर जब वो एक दूसरे को अपना जो पार्टनर है उसको सर्च कर लेंगे, लाइक डे का, नाइट, हैप्पी का, सैड, हीरो का, हीरोइन, इस तरह के पेयरिंग रहेंगे. तो इसके बाद में क्या करेंगे, उनको जो ऑब्जेक्टिव दे देंगे कि एक दूसरे के बारे में जानिए, उनका वर्किंग प्लेस क्या है, उनकी हॉबीज क्या है, वो कहाँ के हैं, जो भी हम शेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रुप के नॉन ग्रुप है क्या नॉन ग्रुप हैं. देन हम कहेंगे कि देन आस्क द इंट्रोड्यूस देयर पार्टनर गिविंग देयर ऑफ डिटेल, और उसके बाद में फिर दोनों पार्टनर एक दूसरे को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे. लाइक अगर एक पार्टनर का है तो अपने बारे में नहीं बता के दूसरे के बारे में बताएंगे, तो इससे क्या होता है दूसरे के बारे में इंटरेक्शन बढ़ता है और हमें दूसरे के बारे में याद भी रहता है.